हेलो दोस्तों, 10+1 का अपना चैप्टर चल रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस टाइप से नोमेनक्लेचर जो है एलिमेंट्स की डिज़ाइन की हुई है। इसके बाद हम आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि कुछ कुछ आपने पहले पढ़ी हुई है, कुछ यहाँ पढ़ेंगे और फिर वो धीरे धीरे प्लस टू क्लास तक आपकी आती रहेगी डिटेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लासिफिकेशन, इस बात का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये ताल्लुक है कि हमने पढ़ा, जैसे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि शेल है, शेल के अंदर क्या है, सब शेल, सब शेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये हमने चार पढ़े, SPDF, यानी कि शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। पहला जो शेल है उसमें एक ही सब शेल है, यानी कि 1s। दूसरे के अंदर दो हैं, 2s और 2p, दो सब शेल होते हैं। s में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें p सब शेल में, क्योंकि इसके फिर तीन ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। तीसरा जो शेल है, इसमें सब शेल हैं तीन, 3s, 3p, 3d। चौथा जो है, इसमें है चार, 4s, 4p, 4d और 4f। अब आगे जो फिफ्थ है, उसमें भी ये चार हैं, SPDF। इससे आगे यही है। मीन्स ये हमने क्लासिफिकेशन किया, यानी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन से इसका क्या ताल्लुक है। आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी एस सब शेल में चला जाता है, चाहे वो दूसरे का है, तीसरे शेल का है, चौथे शेल का है, जिसमें भी जाए, तो ऐसी एलिमेंट्स को, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, इनको रख दिया है एस ब्लॉक के अंदर। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाएगा, उनको रख दिया है पी ब्लॉक के अंदर। जिनका डी में जाएगा, उनको रख दिया है डी ब्लॉक में। और जिनका एफ में जाएगा, उनको रख दिया है एफ ब्लॉक में। मीन्स समझने की बात यह है कि पूरी पीरियोडिक टेबल को चार ब्लॉक्स में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस सब शेल। फिर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सब शेल, यहां बीच में। यह है डी ब्लॉक, मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी। और ये इनर वाले, यानी कि जो बाहर वाला शेल है, उसके जस्ट अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए N-1d की तरह इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऐसे। यानी कि जो लास्ट वाला है, उससे पहले वाले का जो डी है, उसमें जाएगा। मीन्स मान लिया आप चौथे शेल में पहुंच गए, तो डी ब्लॉक में एलिमेंट जो आएंगे, उसमें क्या होगा, थर्ड सेल के डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। ये आगे अलग से पूरा चैप्टर भी है प्लस टू में, डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें हम बहुत सी बातें इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। दो लाइनें नीचे हैं, मीन्स दो कॉलम से नीचे हैं, जिनको क्या बोल रखा है, एफ ब्लॉक, मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ सब शेल। अब देखिए बात क्या हुई, इनके नाम वैसे तो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन करने तो पड़ेंगे, क्योंकि ये मेंशन है और हमें पता भी होने चाहिए। जो एस ब्लॉक है, इसमें दो अपने पास ग्रुप है, दो ग्रुप है, 1 और 2। जो ग्रुप 1 है, इनका नाम है एल्कली मेटल्स। ये एल्कली मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जो आप पढ़ते थे, हलीना कर रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जो ग्रुप 2 है, अल्कली क्यों कहा, क्योंकि बेस फॉर्मिंग होते हैं, मींस बेसिस बनाते हैं ये, इनको कहा अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2। एस ब्लॉक में दो ही हैं। ये आगे डिटेल से चैप्टर भी है पूरा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें दोनों के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। कुछ मेन मेन सी प्रॉपर्टीज हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लस वन में ही आगे जाके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का चैप्टर भी आएगा डिटेल में।
तो अल्केलाइन मीन्स अल्कली से इनकी नेचर मिलती है, अर्थ मतलब मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं, तो अर्थ इसलिए कहा जाता है, ये मेटल्स हैं इसमें ग्रुप वन एंड टू। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक ये जो एलिमेंट्स हैं इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू पी सबशेल। इन्हीं का एक और नाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी है, या इन्हीं एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोला जाता है, या इन्हीं को मेन ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ग्रुप 13 से 18 तक। अब इसमें जो लास्ट वाले दो तीन ग्रुप हैं वो फेमस से हैं, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे जो 18 ग्रुप है इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। 18 ग्रुप को कौन कौन से हैं? हीलियम, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसे आप याद करते हैं तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये क्या है? नोबल गैसेस हैं। अब बाद में ये पाया गया कि नोबल मींस ये रिएक्ट नहीं करती, पहले इनका नाम इनर्ट गैसेस था क्योंकि रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन ये नीचे वाले कुछ ऐसा पाया गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये रिएक्ट करते भी हैं, तो इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया? नोबल गैसेस कर दिया गया। इससे जो पहले वाला ग्रुप है यानी कि 17, इनको कहा जाता है हेलोजन्स। हेलो मींस सोल्ट, जेंस मींस फॉर्मिंग, तो ये साल्ट फॉर्मिंग होते हैं, साल्ट बनाते हैं, इसलिए हेलोजन्स बोलते हैं। कौन कौन से हैं? फिर, कल, बाहर, आएगा, ओटो, मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये कौन से हैं? ये हेलोजन्स हैं। इससे जो पहले है ग्रुप 16, इनको बोला जाता है क्या? चेल्कोजेंस या कल्कोजेंस। ग्रुप 15, इससे पहले जो नाइट्रोजन मींस ये कौन है? ऑक्सीजन फैमिली। कौन कौन से एलिमेंट हैं? ओल्ड स्टाइल से टेपो, टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। 15 जो है नाइट्रोजन फैमिली, जो 15 ग्रुप, इनको बोला जाता है निकोजेंस। ये सफोकेटिंग होते हैं इसलिए निकोजेंस बोलते हैं। कौन है ये? नाइट्रोजन फैमिली है तो ये कौन है? नाना, पाटेकर, असरानी, सब बिंदास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये ग्रुप 15 फैमिली है। खैर ये तो आगे जाके हम और पढ़ेंगे डिटेल से पी ब्लॉक वगैरह में। ये नाम इनके आपको जैसे हेलोजेंस है, नोबल गैसेज है, निकोजेंस हैं, चेल्कोजेंस है, ये आपको थोड़े से रिमेंबर कर लेने हैं। अब ये जो बीच में बच गए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा। इनका एक और नाम ट्रांजिशन मेटल्स भी है, इन्हीं का एक और नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स। हालांकि जिंक ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये इसमें एक्सेप्शन है क्योंकि इनका डी सबशेल पूरा भरा हुआ है। ये आप प्लस टू क्लास में पूरा डिटेल्ड आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि एक तो बीच में रखे हुए, इनकी प्रॉपर्टीज भी इनसे मिलती जुलती हैं। इसमें जो है वो मेटल्स रखे हुए हैं, जो डी सबशेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सबसे बाहर वाला नहीं होगा, उससे अंदर वाला होगा। मींस डी कौन सा होगा? अगर आप एन शेल में चल रहे हो ना तो डी किसका मिलेगा? एन माइनस वन का डी मिलेगा इनका। अब ये जो नीचे हैं दो ये सीरीज, इनमें इनका नाम है लेंथेनोइड्स और नीचे वाली सीरीज का एक्टिनोइड्स। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? अब सब सेल में जा रहा है, नीचे रखे हुए हैं। लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स इनका नाम है। अब इसमें जो एफ में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो और भी एक अंदर वाले में जाएगा। मींस अगर एन शेल की हम बात कर रहे हैं और एफ में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाना है तो कौन से शेल के एफ में जाएगा? एन माइनस टू एफ, इसके अंदर जाएगा। मींस आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट में इसमें नहीं गया
तो इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, मीन्स आउटर मोस्ट है अंदर वाला, और ये उससे भी अंदर वाला, तो ये क्या है एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो इसमें पेनल्टीमेट में जाएगा, इसमें कहाँ जाएगा एंटी पेनल्टीमेट सेल में जाएगा। लेंथेनम फर्स्ट एलिमेंट है, लेंथेनाइड्स रखा हुआ है नाम, एक्टिनियम फर्स्ट है तो एक्टिनाइड्स रखा हुआ है, एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये फोर ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को बांटा हुआ है, किसके बेस पर, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के बेस पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ मेन मेन तीन तीन चार चार प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और डिटेल से फिर आगे चैप्टर आएगा प्लस वन में ही, एस ब्लॉक का भी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी, जिसमें नाइट्रोजन फैमिली पहले नहीं थी, अब इससे और पहले जो बच गए ना, कौन कौन सी फैमिली है ग्रुप, जैसे ये 16 तो हमने बात की चैलकोजेंस, 15 कौन सा है, ये 15 और 14 जो बच गए जो प्लस वन में या पढ़ने वाले हैं, एक तो बोरोन फैमिली है, एक कार्बन फैमिली है, फिर नाइट्रोजन फैमिली है, ये तो हम बात कर ही चुके। बोरोन फैमिली कौन सी है, ग्रुप 13 वाली, ये कौन सी है ग्रुप 14 वाली। तो बोरोन की जो फैमिली, उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, थैली के अंदर, मीन्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थैलियम, ये ग्रुप 13 बोरोन की फैमिली जो डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। कार्बन की फैमिली तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो ये सारे डिटेल से भी प्लस वन क्लास में आगे चैप्टर्स हैं, वहाँ हम पढ़ेंगे।